तारक मेहता शो के एक्टर शैलेश लोढ़ा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर केस कर दिया है। शैलेश ने पिछले साल अप्रैल महीने में ही तारक मेहता शो को अचानक छोड़ दिया था। इसे लेकर खूब विवाद भी हुआ। शैलेश कई बार बातों ही बातों में असित मोदी पर निशाना भी साध चुके हैं। शो छोड़ने के बाद से ही शैलेश और असित मोदी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। शैलेश ने कुछ समय पहले बताया था कि शो छोड़ने के 6 महीने बाद भी उनका बकाया पैसा नहीं मिला है। अब इस बात को साल भर हो गया है और अब शैलेश ने असित मोदी के खिलाफ कोर्ट में केस ठोक दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शैलेश ने असित मोदी पर बकाया पैसा नहीं देने का आरोप लगाया है। इस मामले में जब शैलेश लोढ़ा से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में है। वहीं असित मोदी ने कहा कि मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, शैलेश हमारी फैमिली का हिस्सा है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उन्हें कई बार कहा है कि ऑफिस आकर सभी पेपर साइन कर दो और अपनी बची हुई पेमेंट लेकर चले जाओ। हर कंपनी का अपना प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इसे कोई कोर्ट केस नहीं मानता हूं, क्योंकि हमने पैसे देने से कभी मना ही नहीं किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 14 सालों से टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा है। शो में शैलेश लोढ़ा तारक मेहता का किरदार निभाते थे। इस शो से ही उन्हें घर घर पहचान मिली। शैलेश से पहले नेहा मेहता ने जब यह शो छोड़ा था तो उनका भी आरोप था कि पेमेंट को लेकर असित मोदी आनाकानी करते हैं। फिलहाल मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। देखते हैं कि इस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।